गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? तो गाइज, कल से हमारे कलेक्टिव में एक न्यू एनर्जी एंट्री हुई है जो आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है? एंड आपकी डिवाइन मास्कुलिन का जो एनर्जी इस वक्त कलेक्टिव में आई है ना, इसके रिलेटेड एक सॉन्ग मुझे कल इवनिंग में चैनलिंग हुआ था, जिस सॉन्ग को मैं कल ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। अगर आप लोगों ने उस सॉन्ग को सुना होगा ना, तो आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी एनर्जी में क्या क्या शिफ्टिंग आई है, वो अपने माइंड में अभी क्या सोच रहे हैं, ठीक है? जो लोग उस सॉन्ग को नहीं सुना है ना, आप लोग उस सॉन्ग को जरूर सुनिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तभी जाकर आपको पता चलेगा और आप उनकी एनर्जी को खुद के साथ रिजोनेट कर पाएंगे, ठीक है? देखिए गाइस, लास्ट टाइम जो एनर्जी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो न्यू मून की एनर्जी थी, उस एनर्जी अपडेट में मैं शायद आप लोगों से ये बात को बताई थी कि इस बार ये जो न्यू मून आई है ना, ये आप दोनों को एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड कर रही है, ठीक है? डिवाइन आप दोनों को किसी ना किसी करके एक दूसरे से कनेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है? आपको इस वक्त बहुत सारे नंबर सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, या फिर आपका जो पर्सन है ना, उनका नाम आपको हर जगह दिख रहा होगा, या फिर उनका उनके जैसा दिखने वाला कोई पर्सन आपके सामने आ रहा होगा। मतलब ऐसी कोई सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही होगी जिस सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आपको आपकी पर्सन की एनर्जी रिसीव हो रही होगी, ठीक है? तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहे है ना, तो आप समझ जाएगा कि आप लोगों की यूनियन बहुत करीब है, ठीक है? बहुत करीब है, मतलब आगे जो 11-11 पोर्टल ओपन होने वाली है ना, उसी टाइम या फिर उसके बाद आप लोगों की यूनियन हो सकता है, ठीक है? ये आपकी मिनी यूनियन हो सकता है, मतलब अगर आप दोनों के बीच बहुत दिनों से सेपरेशन चल रहा है, तो वो सेपरेशन एंड होने वाली है, ठीक है? आप अगर आपके मन में ये सोच रहे हैं कि आपका ये जो सेपरेशन है ये कब एंड होगा, तो ये बहुत जल्दी एंड होने वाली है, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो एनर्जी अभी कलेक्टिव में ओपन हुई है ना, ये आपको एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा, ठीक है? मतलब आप अगर गुस्से में आपकी पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, या फिर उनकी कॉल को आप इग्नोर कर रहे हैं, उनकी मैसेज का आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई कुछ अगर आपने आपको ब्लॉक करके रखा है ना, तो आपको अपने माइंड को थोड़ा शांत रखना है, ठीक है? मतलब आपकी माइंड से उस इल्यूजन को हटा के आपको आगे बढ़ना है, आपको कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि देखिए, 11-11 पोर्टल जब ओपन होता है ना, ये आपको कैसे ना कैसे करके आप दोनों की यूनियन कराता है, ठीक है? तो आप लोग अगर आपकी पास्ट की लड़ाई झगड़ा को अभी भी पकड़ के बैठे हैं कि वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, विदाउट एनी रीज़न आपको छोड़ के चले गए थे, और अगर वो किसी थर्ड पार्टी में थे, मतलब आपकी पास्ट में कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अगर आप उस लड़ाई झगड़ा को पकड़ के अभी भी बैठे हैं ना, आपकी पर्सन को अगर अभी तक माफ़ नहीं किया है पूरी तरह, तो आप उन्हें माफ़ करना सीखिए, और ये जो लड़ाई झगड़ा आपकी पास्ट में हो गया था, आप उस पास्ट से अपने आप को बाहर निकालिए, ठीक है? क्योंकि आप अगर आपकी जो पास्ट है उसे अगर पकड़ के बैठोगे, जो पास्ट आपको बहुत हर्ट किया है, तो आप कभी भी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? क्योंकि देखिए गाइस, आपका जो पर्सन है ना, वो आप ही का मिरर सोल है, तो आपके अंदर जो डिस्टर्टेड एनर्जी होता है ना, जो कुछ भी आपके अंदर कचरा पड़ा हुआ होता है, वो सिर्फ आपका ट्विन ही आपको मिरर कर सकता है, ठीक है? क्योंकि ये जो जर्नी में आप है ना, इस जर्नी में आप दोनों को पूरी तरह प्योर बनना है, आप दोनों को अपनी हाईएस्ट वर्जन में आना है, ठीक है? एंड आप अपने हाईएस्ट वर्जन में तब आते हो जब आपकी सोल पूरी तरह प्योर होता है, ठीक है? मतलब आपके अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं होता है, एंड जो कुछ भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस है ना, चाहे आपका डिवाइन मास्कुलिन, देखिए आपका डिवाइन मास्कुलिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और आप उन्हें अभी तक माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके अंदर की ब्लॉकेजेस है, ठीक है? जिन ब्लॉकेजेस को आपको पूरी तरह क्लियर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप उनको माफ़ करिए, ठीक है? क्योंकि वो आप ही का सोल है, आपका मिरर सोल है, तो वो आपके साथ जो कुछ भी किया है ना, ये सब डिवाइन का ही प्लान था, ठीक है? आपको अगर उनकी एक्टिविटीज़ से, या फिर उन्होंने अगर आपको इग्नोर किया था, या फिर आपको हर्ट किया था, तो उस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला था, तो आप उनको पूरी तरह माफ़ करिए, ठीक है? आप जब तक उन्हें पूरी तरह माफ़ नहीं करोगे, जब तक आप उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? एंड हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर ऐसा सोचोगे कि वो पर्सन आपके साथ कितना बुरा किया है और आप उन्हें क्यों माफ़ करोगे, तो ऐसी एनर्जी में अगर आप रहोगे ना, तो आप वहीं पर स्टक हो जाओगे,
ठीक है, और आप बस वेट करके बैठोगे कि कब आपकी यूनियन होगी। देखिए गाइस, आप खुद अपने अंदर अभी स्टकिंग वाली एनर्जी में है, तो आप कैसे यूनियन की तरफ बढ़ोगे? ओके, सबसे पहले तो आप उन्हें माफ़ करिए। उसने जो कुछ भी किया है, चाहे वो कितना भी बुरा किया हो आपके साथ, आपको उन्हें माफ़ करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में आपको वही सारे चीज़ों को सिखाना पड़ता है। मतलब डिवाइन आपको वही सारी चीज़ों को सिखाता है जो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब आपके साथ कोई पर्सन अगर बहुत बुरा करता है तो आप उसे माफ़ नहीं करते हो, राइट? बट आपका जो ट्विन है ना, वही पर्सन ही आपके साथ वो चीज़ करता है जिसकी वजह से आपको उन्हें माफ़ करना ही पड़ता है, ठीक है? नहीं तो आप इस जन्म में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होता है जब आप अपना इनोवा करोगे, जब आप इस जन्म में आगे बढ़ोगे ना, तभी जाके आप इस जन की इंटेंसिटी को समझ पाओगे। और आपके अंदर जो कुछ भी डिस्ट्रक्टेड एनर्जी होता है ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके साथ जो होता है, मतलब उनके साथ जो कुछ भी होता है ना, डिवाइन उनके साथ जो कुछ भी करता है, वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आप लोगों के साथ जो कुछ भी हो रही है ना, डिवाइन आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है आपके ट्विन के थ्रू, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और हमेशा उससे लेसन सीख के आगे बढ़िए, ठीक है? आपको एक जगह स्टक होकर नहीं रहना है, क्योंकि ये जो जर्नी है, इस जर्नी में आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपको एक स्टेप के बाद एक स्टेप आपको चढ़ के ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? क्योंकि देखिए गाइस, इस वक्त आप जिस तरह की एनर्जी में है ना, आपका जो पर्सन है वो भी उसी तरह की एनर्जी में है, ठीक है? क्योंकि कल जो सॉन्ग मुझे चैनलिंग हुआ था ना, आप अगर उस सॉन्ग को सुनोगे या फिर आपने अगर उस सॉन्ग को सुना है, तो आपको पता होगा कि आप जिस तरह की एनर्जी में है वो भी उस तरह की एनर्जी में है, ठीक है? एंड अभी आप सुनिए, इस बैकग्राउंड में अभी एक अच्छा वाला सॉन्ग चल रहा है। मतलब कौन सा सॉन्ग है, शायद मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, राइट? आपको शायद सुनाई दे रही होगी, राइट? तो कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी भी है, ठीक है? क्योंकि इस वक्त ये जो वीडियो में बना रही हूँ ना, आपका डिवाइन मास्कुलिन की बहुत सारी इमोशन भी मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है? जो आप भी कहीं ना कहीं रिसीव कर रहे होंगे कि वो बंदा आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, या फिर पिछले दो दिनों से आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी महसूस हो रहा होगा, ठीक है? क्योंकि ये आपकी पर्सन की एनर्जी है, और इसलिए ही ये जो सॉन्ग है ना, ये सडनली अभी बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है? तो जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर रहे हैं ना, आप इसे एज अ गाइडेंस लीजिए। जिन लोगों के साथ रिजोनेट नहीं कर रहे, आप इसे जाने दीजिए, ठीक है? क्योंकि सभी लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि आप देखिए, बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बोल के आ रही हूँ कि हमारे चैनल में न्यूली अवेकन सोल से, हाईली अवेकन सोल से, एंड कुछ ऐसे डिवाइन सोल्स भी है जो इस जाने के बीच में है, ठीक है? तो आप लोगों के साथ जो भी एनर्जी रिजोनेट कर रहे हैं, आप उसे रखिए, नहीं तो आप उसे जाने दीजिए, ठीक है? आपको कोई भी एनर्जी में आपको स्टक होके नहीं रहना है, ओके? देखिए गाइस, बहुत सारे मतलब कलेक्टिव में एक इमोशन वाली एनर्जी है, मतलब डिवाइन मास्कुलिन जो है ना, मैं कल ही शायद एक वीडियो में बताई थी कि इस वक्त आपकी डिवाइन मास्कुलिन की थ्रोट चक्रा पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है, और वो उनकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आपसे शेयर कर रहे हैं, एनर्जेटिकली हो या फिर किसी पर्सन के थ्रू। मतलब आपका अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, या फिर आप जिसे जानते हो और वो भी उसे जानते हैं, उसी के थ्रू हो, मतलब वो उनकी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कर देना चाहते हैं, ठीक है? एंड देखिए, ये सब न्यूली अवेकन की हो सकती है एनर्जी, एंड हाईली अवेकन सोल्स की हो सकती है, या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में हैं उन लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है? क्योंकि सारे के सारे जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो अभी अवेकनिंग की फेज में है। बाकी जो न्यूली अवेकन है, जो हाईली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन है, उनका एनर्जी अलग है, क्योंकि वो हाईली अवेकन हो चुके हैं, तो उनकी कुछ अलग सी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, जो है एक मैरिज वाली एनर्जी, एक कमिटमेंट वाली एनर्जी, एक प्रपोजल वाली एनर्जी, ठीक है? तो देखिए गाइस, जो हाईली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनका अभी एनर्जी बैलेंसिंग चल रही है, तो जब उनकी ये एनर्जी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो पक्का वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, और आप दोनों की शादी तो पक्का होने वाली है, क्योंकि अभी मुझे शादी वाली वाइब्स बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है?
मतलब पिछले कुछ दिनों से शादी वाली एनर्जी मुझे इस तरह से रिसीव हो रही है, मेरी ड्रीम के थ्रू बहुत सारे एनर्जी रिसीव हो रही है, जैसे कि बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है, या फिर आप भी अगर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो ना, आपकी अगर थर्ड आई और आपकी क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुकी है तो आपको भी शादी वाली ड्रीम आ रही होगी, ठीक है। या फिर आपका जो पर्सन है वो अगर आपको उनकी दिल की बात को शेयर नहीं किया था तो वो आपको आपकी ड्रीम के थ्रू उनकी फीलिंग्स को शेयर करता हुआ आप देख पा रहे होंगे ड्रीम में, ठीक है। तो इस वक्त आप दोनों की जो एनर्जी है ना, ये एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो रही है, ठीक है। तो आप इस वक्त जैसा सोचेंगे ना, आपका जो पर्सन है वो भी वैसा ही सोचेंगे, ठीक है। तो आप अगर कुछ सोच रहे हो ना, तो आप पॉजिटिव सोचिए, आप आपकी यूनियन के बारे में सोचिए, या फिर अगर आपको पता है कि आपका जो पर्सन है उनकी अवकनिंग चल रही है तो आप उनको उनकी अवकनिंग में हेल्प करिए, तभी जाके आपकी जो एनर्जी है ना उन तक पहुंचेगी। और वो अगर उनकी अवकनिंग में कहीं पर फंसे हुए हैं तो उनको वहाँ से आगे जाने का रास्ता भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप उनका मिरर सोल है, तो आप जैसा काम करोगे आपका जो एनर्जी है ना उनको जरूर रिसीव होगी, ठीक है। ये जो टाइमिंग अभी है ना, मतलब अभी न्यू मून से फुल मून तक आपके पास टाइमिंग है, आप दोनों की एनर्जी अभी एक दूसरे के साथ पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड हो रही है, तो आप कोशिश करिए कि आप अपना इनर वर्क अच्छे से करें, और आपके अंदर जो कुछ भी डाउट है ना, जो कुछ भी निगेटिविटी है, आप उन सारे निगेटिविटी को बाहर निकालिए। और आपको अगर पता है कि आपका जो पर्सन है उनका कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा है, तो आप एनर्जेटिकली उनकी एनर्जी को हील करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि आप दोनों की एनर्जी अभी एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, तो आप जैसा काम करोगे ना, आप आपकी इनोवा के थ्रू भी आपकी पर्सन की कार्मिक अकाउंट को हील कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर पता है कि कार्मिक अकाउंट को कैसे हील करना है, आप लोग ही करिए। जिन लोगों को पता नहीं है कि कार्मिक अकाउंट को कैसे हील करना है, उनके उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देख के अपना अकाउंट को, अपनी जो ट्विन है उनके कार्मिक अकाउंट को जरूर हील करिए, तभी जाके आप जल्दी से इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पोर्टल होता है ना, न्यू मून पोर्टल, फुल मून पोर्टल, या फिर जब कोई न्यू पोर्टल की एनर्जी ओपन होता है ना, उसी टाइम आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है ताकि आप उस टाइमिंग का अच्छा फ़ायदा उठा सके। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो इनोवा करते हैं ना, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, मतलब आप जिस तरह से इनोवा करते हो तो उसी हिसाब से आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलता है। बट ये जो टाइमिंग अभी है ना, आप जैसा काम करोगे ना उसका 10x रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप इस टाइमिंग का भरपूर फायदा उठाइए, ठीक है। क्योंकि आगे 11-11 पोर्टल ओपन होने वाली है, तो उससे पहले आप अगर अपना इनोवा को कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप लोगों की यूनियन पक्का होने वाली है, ठीक है। या फिर अगर आपका पर्सन कहीं पर स्टक है, या फिर वो उनका मतलब थ्रोट अगर ब्लॉक है ना, तो उनका थ्रोट क्लियर होगा और उनकी थ्रोट एक्टिवेट होगा, उसके बाद वो आपको ज़रूर उनकी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को अगर आप समझ जाओगे, अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो डिवाइन आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा, ओके। आप अगर इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अगर मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, आप अगर मेरी बात को नहीं मानोगे कि ये क्या बोल रहे हैं, तो आप इस जर्नी में स्टक रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम लोग जो कुछ भी वीडियोज़ बना रहे हैं ना, स्पेशली जो एनर्जी अपडेट हम लोग दे रहे हैं ना, ये डिवाइन की गाइडेंस से ही हम दे रहे हैं, ठीक है। हमें पहले चैनलिंग होता है, तभी जाके हम लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। नहीं तो एनर्जी अपडेट को मैं कभी भी शेयर नहीं कर सकती विदाउट चैनलिंग, विदाउट गाइडेंस। मैं कभी भी एनर्जी अपडेट को आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो गाइज, इस टाइमिंग का भरपूर फ़ायदा आप उठाइए, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी अभी एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड में है, तो आप जैसा करोगे ना उसका 10x फास्टर रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। एंड आपकी डिवाइन मास्कुलिन जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही पजरी वाली एनर्जी है, उनकी एनर्जी फील्ड में एक मैसिव शिफ्टिंग आ चुकी है। तो जो हाईली अवकेंट डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनकी तो शादी वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका एनर्जी अपडेट लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए आप अपना इनोवा करते रहिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। सो अगर ये एनर्जी अपडेट आप लोगों से रिजोनेट किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या फिर इस तरह की वीडियोज़ आप अगर आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।